नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में फिर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक बहन ने अपनी बहन और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां न्यायालय के आदेश के बाद एक महिला सीमा बागड़ी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी बहन पूजा बागड़ी व दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सीमा की बहन पूजा ने सीमा के फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में नौकरी ले ली, वहीं पर जी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। पूरे मामले में पुलिस ने पूजा बागड़ी सहित दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कल एक धोखाधड़ी का न्यायालय के श्रीमान न्यायालय आदेश से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है 420 का, जिसमें फरियादिया सीमा बागड़ी द्वारा अपनी बहन पूजा बागड़ी के विरुद्ध व अन्यों के विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध करवाया है, जिसमें उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर नौकरी न्यायालय में प्राप्त करना ऐसा बता रही है। क्या किस प्रकार की प्लाट की धोखाधड़ी है? फर्जी दस्तावेज बना के उनके स्वयं के पैतृक मकान का फर्जी दस्तावेज बनाए उन्होंने, और आरोप फरियादी के नाम से फर्जी आधार कार्ड और वो बनाया प्रमाण पत्र, उसके आधार पर न्यायालय में अपने स्वयं आरोपी ने अपनी नौकरी लगवाई। इनका मकान है अपने हुकुमचंद कॉलोनी में, थाना मल्हारगंज कुचकिया, उपनिषक आमो से सुनिए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।